आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के अबाउट। स्पीड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी वेबसाइट की सक्सेस के लिए। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई विजिटर आता है और क्लिक करता है और आपकी वेबसाइट लोड होती है और 4-5 मिनट के अंदर ओपन हो, तो वो आपका विजिटर चला जाएगा वापस, राइट, और आपसे कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट लोड ही नहीं हो पा रही सही तरह से। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपकी होस्टिंग, कि आप होस्टिंग किस तरह की ले रहे हो, अच्छी ले रहे हो, बुरी ले रहे हो, लोकल ले रहे हो। तो अगर आप एक अच्छी होस्टिंग यूज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि करंट वेबसाइट की स्पीड हमारी है क्या, और फिर उस वेबसाइट स्पीड को किस तरह से हमने बढ़ाना है ताकि हमारी वेबसाइट जल्दी से लोड हो। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस तरह से चेक करेंगे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो क्या है। तो मैं इसको अगर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास एक टूल आ जाता है जीटी मैट्रिक्स के नाम से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये टूल है जीटी मैट्रिक्स, और सिंपल मैं क्या करता हूँ इसको टेस्ट योर साइट, और ये हमारे जो वेबसाइट है उसके अबाउट बता देगा कि हमारी वेबसाइट की करंट स्पीड क्या है, कितने सेकंड्स के अंदर हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और किस किस वजह से हमारी वेबसाइट थोड़ा सा डिले लेट हो रही है, मतलब डिले लोड हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट को स्कैन करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये हमें सारे फैक्टर्स बता देगा कि करंट हमारी वेबसाइट की स्पीड है क्या और हम उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, फिर वो भी हम देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ओके, देखिए हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी है, 98% 1.1 सेकंड के अंदर हमारी वेबसाइट कम्प्लीटली लोड हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि हमारी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। होस्टिंग अच्छी है इस वजह से हमने क्या किया, हमारे पास एक अच्छी स्पीड निकल गया है। दूसरी चीज़, आपका थीम अच्छा इंस्टॉल होना चाहिए जो कि लाइट वेट हो। आस्ट्रा एक बहुत अच्छा लाइट वेट थीम है जिसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं और किसी भी तरह की वेबसाइट उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तीसरी चीज़ हमें देखनी है कि हमने हमारी सारी चीज़ें अप टू डेट हों। फोर्थ थिंग हमने देखनी है कि हमारे मीडिया के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं पड़ी जो कि हम वेबसाइट के अंदर यूज़ ही नहीं कर रहे। पाँचवी चीज़ हमने ये देखनी है कि हम जब भी इन इमेजेस को अपलोड करें तो इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ये नहीं आप 2 MB की पिक्चर अपलोड कर दें, 5 MB की पिक्चर अपलोड कर दें। आपने KBs के अंदर, लेट्स से अगर मैं इसके साइज़ देखता हूँ तो यहाँ पे देखें 149 KB फाइल का साइज़ है। अगर मैं इसको 2 MB का पिक्चर अपलोड करता तो किस तरह से मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर आपकी इमेज 1 MB की या 2 MB की है और आप मजीद फिर भी उसको अपलोड करना चाह रहे हैं तो आपने उसको पहले कंप्रेस कर लेना है। तो वो किस तरह से कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है tinypng.com के साथ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल इसको इंस्टॉल कर देते हैं और यहाँ से हम कोई भी इमेज, लेट्स से ये वाली इमेज मैं लेता हूँ, तो ये 272 KB की है बिना किसी क्वालिटी के लॉस के। ये क्या कर देगा, हमारे पास इसको सिंपल कंप्रेस कर देगा 228, राइट, 16% जो है। अब इसको डाउनलोड करके आप अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो आपने चीज़ ध्यान रखनी है, फालतू पेजेस आपके पास ना हो, फालतू पोस्ट आपके पास अवेलेबल ना हो, जो भी फालतू चीज़ें उनको डिलीट कर दें। अब यहाँ पे थीम्स के अंदर आएंगे, जो फालतू थीम इंस्टॉल्ड है, आपका जो मेन थीम है उसके अलावा कोई फालतू थीम्स इंस्टॉल्ड है जैसे ये, इनको आपने क्या कर देना, डिलीट कर देना सिंपल, ठीक है। इस तरह से डिलीट कर देना इन सारे को, सबको जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे लेट्स से कोई प्लगइन्स हैं एक्स्ट्रा जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो उनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमने ये भी हमारे काम के सिक्योरिटी के रेलेवेंट। अब लेट्स से ये वाला प्लगइन मेरे काम का नहीं है, WP रीसेट, तो मैं इसको डीएक्टिवेट करके डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और ऑल इन वन माइग्रेशन जो है वो हमने एक बार कर ली, अब तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो मैं क्या करूँगा, इसको डीएक्टिवेट करूँगा और सिंपल इसको डिलीट कर दूँगा, इसको भी। जब मुझे दोबारा से माइग्रेशन अगर करनी पड़ी तो मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा अगेन,
नो प्रॉब्लम। तो ये मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो डिलीट कर दी हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपने जो भी है डिलीट कर दी हैं। उसके अलावा हमारे पास फिर कुछ प्लगइन्स हैं जो कि स्पीड इंक्रीज करने के लिए आते हैं, लेट्स से जैसे W3 टोटल कैश। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लगइन है जिसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं इसका टेस्ट दोबारा रखूँगा 98% पे 1.1 सेकेंड पे। अभी मैंने कुछ प्लगइन्स डिलीट किए हैं, तो अब मैं देखता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, कितनी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। बाज़ औक़ात आपको यहाँ पे ये टूल्स डिक्रीज भी दिखा देते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम जो सर्वर से है वो समटाइम डिले हो रहा होता है, तो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। बस आपने मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कम से कम लोड हो, छोटी इमेजेस आपने यूज़ करने, छोटी इमेजेस साइज़ के अंदर, राइट। उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपने नहीं रखने, डिलीट कर देनी है जो प्लगइन्स आपके इस्तेमाल में नहीं। अब देखें यहाँ पे 100 हो गया और 385 मिली सेकेंड्स के अंदर हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, राइट, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव कर दी। फिर इस तरह के कुछ प्लगइन्स हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं, W3 टोटल कैश जैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मशहूर प्लगइन है। इसको आप इंस्टॉल करोगे, एक्टिवेट करोगे, और इसकी काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता उनकी सेटिंग्स किस तरह से करने हैं, तो सिंपल आप इसको जस्ट क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ सकते हैं। तो अब मैंने ये इंस्टॉल कर दिया, अब मैं एक और बार, अब मेरे ख्याल से 100 से 200 तक तो नहीं जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो स्पीड है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और आपने किस तरह से उसको मेंटेन करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।